नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूँ अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल एक पुनरावलोकन पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी ने की शिरकत। एचआरटीसी निगम की बसों में टांका मार कंडक्टरों पर नकेल कसने के लिए विभाग ने कस ली कमर। कंडक्टर बसों में अगर टांका मारते हुए नजर आए तो कानून सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा, कहा आरएम विवेक लखनपाल ने। हमीरपुर शहर में आगजनी की घटना होने पर किस तरह से निपटा जाए, इसी के चलते अग्निशमन विभाग ने एक मॉक ड्रिल का किया आयोजन। रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने पर किस तरह से बचाव कार्य हो सकता है, इसको लेकर सोहारू कॉम्प्लेक्स में की गई मॉक ड्रिल। हमीरपुर शहर में सड़कों पर सामान को सजाने वाले दुकानदारों पर नगर परिषद हमीरपुर ने कार्यवाही करते हुए 12 दुकानदारों का किया सामान जब्त। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को चेताया कि अगर दोबारा दुकानदारों ने ऐसा किया तो सख्ती से निपटा जाएगा, कहा नगर परिषद के सफाई कर्मचारी राजेंद्र शर्मा ने।